हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग। हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं। क्या एक बार फिर हैंडपंप उखाड़ने के लिए तैयार है सनी देओल? कौन था अमीषा पटेल के रोल के लिए पहली पसंद? आमिर खान से क्यों टकराते हैं सनी देओल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। साल 2001 में आई बेहद लोकप्रिय और बहुचर्चित फिल्म गदर एक प्रेम कथा तो आपको याद ही होगी। सनी देओल का फिल्म में हैंड पंप उखाड़ने से लेकर उनके और अमीषा पटेल के रोमांस तक फिल्म में सब है। भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को भी बखूबी फिल्म में दर्शाया गया है। रोमांस, एक्शन, ड्रामा, ये सब इसमें भरपूर था। शायद तभी लोगों के दिलों में ये आज तक छाई हुई है। गौरतलब है कि अब इस फिल्म का एक रीमेक बनाया जा रहा है जिसमें नए पुराने बहुत से कलाकार होंगे। फिल्म के बारे में और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पहली फिल्म में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे और ललित दुबे, सुरेश ओबेरॉय, उत्कर्ष सिंह जैसे कई और कलाकार फिल्म में सह कलाकारों के रोल में दिखे। फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था जबकि मशहूर प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज ने इसका निर्माण किया था। फिल्म का रीमेक आने से पहले आइए आज हम आपको ओरिजिनल फिल्म से जुड़े कुछ खास और रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। फिल्म की कहानी बूटा सिंह की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित थी। साल 1994 में ये फिल्म आमिर खान की लोकप्रिय फिल्म लगान के साथ बड़े पर्दे पर टकराने वाली थी। आपको बता दें कि आज तक ऐसा 3 बार हो चुका है जब ये दोनों सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई हों। जून 1919 में सनी की घायल और आमिर की दिल, नवंबर 1996 में घातक और राजा हिंदुस्तानी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इस फिल्म की 10 करोड़ टिकटें बिकी थी, जो दुनिया की किसी भी और फिल्म से कहीं ज्यादा थी। अमीषा पटेल के किरदार के लिए काजोल मेकर्स की पहली पसंद थी, हालांकि डेट्स न होने की वजह से वो फिल्म नहीं कर पाए। करीब 500 लड़कियों के ऑडिशन देने के बाद अमीषा को ये रोल मिला था। सनी देओल के रोल के लिए भी गोविंदा पहली पसंद थे, परंतु उनकी फिल्म महाराजा फ्लॉप होने के बाद निर्देशक अनिल ने अपना मन बदल लिया। भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाली फिल्मों में से इसका नाम सबसे पहले आता है। अमीषा पटेल और अमरीश पुरी की साथ में इकलौती फिल्म है। फिल्म में बाल कलाकार और सनी और अमीषा के बेटे बने उत्कर्ष सिंह निर्देशक अनिल शर्मा के ही बेटे हैं, जिन्होंने एक लीड और एडल्ट के तौर पर जीनियस फिल्म में अपना डेब्यू किया। आपको बता दें कि फिल्म के रीमेक को एक बार फिर अनिल शर्मा ही निर्देशित करने वाले हैं, जिसमें उनके बेटे एक बार फिर अहम किरदार निभाते दिख सकते हैं, हालांकि वो लीड रोल में नहीं होंगे। रीमेक में सनी देओल और अमीषा पटेल की जगह कौन लेगा, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और हमारी अगली वीडियोस का इंतजार करना होगा। हालांकि नीचे कमेंट में फिल्म से जुड़े अपने अनुभव और ये बताना ना भूलें कि आपको इनमें से सबसे हैरान करने वाली बात कौन सी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने।